हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज अंतः एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष। ओके, बीए पार्ट वन, इंट्रा एंड इंटर जनरेशन कन्फ्लिक्ट टुडे आवर टॉपिक। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अंतः एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक, इंट्रा एंड इंटर जनरेशन कन्फ्लिक्ट। ओके, जिस तरह समूह निर्माण में वर्ग एवं लिंग को महत्वपूर्ण आधारों के रूप में देखा जाता है, उसी तरह आयु भी एक ऐसा महत्वपूर्ण आधार है। ओके, जो प्रत्येक समुदाय को कुछ प्रमुख समूहों में विभाजित करता है। आयु के आधार पर ही एक समाज अथवा समुदाय अनेक पीढ़ियों में विभाजित होता है। इस दृष्टिकोण से सबसे पहले पीढ़ी शब्द के अर्थ को समझना आवश्यक है, क्योंकि इसी के संदर्भ में आंतरिक पीढ़ी इंट्रा जनरेशन तथा अंतर पीढ़ी इंटर जनरेशन संघर्ष की अवधारणा और प्रकृति को समझा जा सकता है। ओके, साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि पीढ़ी का तात्पर्य क्या होता है? समुदाय के उस बड़े भाग से होता है। पीढ़ी का अर्थ क्या होता है? समुदाय के बड़े भाग से होता है, जिसके निर्धारण का आधार एक विशेष आयु है। समाज में प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा जन्म लेने वाले बच्चे जब युवा हो जाते हैं, तो उनसे एक नई पीढ़ी का निर्माण होता है, और आयु बढ़ने के साथ नई पीढ़ी के युवा जब लगभग 50 ईयर्स की एज तक पहुंच जाते हैं, तो स्वयं उनकी संतानें नई पीढ़ी का स्थान ले लेती हैं। ओके, इस प्रकार भौतिक रूप से प्रत्येक समाज मुख्य रूप से तीन या चार पीढ़ियों में विभाजित हो जाता है, जैसे युवा पीढ़ी, प्रौढ़ पीढ़ी, वृद्ध पीढ़ी। ओके, कितनी पीढ़ियों में? तीन या चार पीढ़ियों में विभाजित हो जाता है, जैसे युवा पीढ़ी, प्रौढ़ पीढ़ी और वृद्ध पीढ़ी। ओके, साधारणतया प्रत्येक 20 और 25 वर्ष के अंतर में एक नई पीढ़ी का निर्माण होता है, तथा पहली पीढ़ी दूसरी अवस्था में और दूसरी पीढ़ी तीसरी अवस्था में पहुंच जाती है। विभिन्न पीढ़ियों के बीच समय का अंतर 20 या 25 ईयर्स होने के कारण इतनी अवधि में एक और सामाजिक मूल्य में कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो दूसरी ओर प्रौद्योगिक विकास और राजनीतिक दशाओं के प्रभाव से लोगों के विचारों में भी परिवर्तन होने लगता है। इसके फलस्वरूप एक ही दशाओं के प्रभाव से लोगों के विचारों में भी परिवर्तन होने लगता है। इसके फलस्वरूप एक ही पीढ़ी अथवा समान आयु से संबंधित स्त्री पुरुषों, मालिकों और मजदूरों तथा विभिन्न नातेदारी समूहों के विचार एक जैसे नहीं रहते। ओके, एक जैसे नहीं रहते। यही दशा दार्शनिक पारस्परिक सामंजस्य को कम करके तरह तरह के संघर्षों को जन्म देने लगती है। ओके, सामान्य रूप से ऐसे संघर्षों को हम आंतरिक पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो समान आयु के लोगों के बीच वैचारिक और व्यवहार संबंधी अंतर उतने अधिक नहीं होते, जितने कि दो विभिन्न पीढ़ियों के बीच देखने को मिलते हैं। विभिन्न दशाओं के कारण जब दो पीढ़ियों के बीच, जैसे युवा और प्रौढ़ पीढ़ी के बीच कोई संघर्ष पैदा होता है, ठीक है, कोई भी संघर्ष पैदा होता है किनके बीच? युवा और प्रौढ़ पीढ़ी के बीच यदि कोई संघर्ष पैदा होता है, तो इसे अंतर पीढ़ी संघर्ष कहा जाता है। कौन सा कहते हैं? अंतर पीढ़ी संघर्ष कहा जाता है। भारतीय समाज की आज एक प्रमुख समस्या आंतरिक पीढ़ी संघर्ष और अंतः पीढ़ी संघर्ष के रूप में सामने आई है। इस समस्या को समझने से पहले आंतरिक पीढ़ी तथा अंतर पीढ़ी संघर्ष के वास्तविक अर्थ को समझना आवश्यक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंतः पीढ़ी संघर्ष की समस्या। ओके, फर्स्ट क्या हो गया आपका? अंतः एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष, और इंट्रा एंड इंटर जनरेशन कन्फ्लिक्ट, और सेकंड है आपका अंतः पीढ़ी संघर्ष की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ इंट्रा जनरेशन कन्फ्लिक्ट। ओके,
अकॉर्डिंग टू कॉल मानहीम, कॉल मानहीम ने स्पष्ट किया है कि पीढ़ियों से संबंधित समस्या एक विशेष समाजशास्त्रीय घटना है जिसका संबंध जन्म और मृत्यु के द्वारा समाज में नए समूहों के निर्माण और पुराने समूहों के निरसन मतलब एलिमिनेशन के रूप में देखने को मिलता है। ओके, अभी तक आयु को केवल जेब किए तथ्य मानकर उसे समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय नहीं समझा जाता था। धीरे धीरे जब समाजशास्त्रियों का ध्यान आयु के आधार पर बनने वाली पीढ़ियों और विभिन्न पीढ़ियों से संबंधित संघर्षों की ओर जाना शुरू हुआ तो इसे सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक तनावों के एक प्रमुख आधार के रूप में देखा जाने लगा। ओके, अंतः अथवा आंतरिक पीढ़ी संघर्ष समाजशास्त्रीय रूप में एक विवादपूर्ण विषय रहा है। साधारणतः यह माना जाता है कि जिन व्यक्तियों में एक पीढ़ी की रचना होती है उनकी आयु लगभग समान होने के कारण उनके विचार मनोवृत्ति मूल्य और व्यवहार में किसी तरह का अंतर नहीं होता। इस कारण एक ही पीढ़ी के सदस्यों के बीच सामाजिक संघर्ष इतने गंभीर नहीं होते हैं कि उन्हें एक समस्या के रूप में देखा जाए। दूसरी ओर अनेक समाजशास्त्रियों ने पारिवारिक जीवन में जीवन से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में आंतरिक पीढ़ी संघर्ष की एक और समस्या के रूप में आंतरिक पीढ़ी संघर्ष को भी एक प्रमुख समस्या के रूप में स्पष्ट किया है। उनका मानना है कि उदाहरण के लिए विवाह के समय वर और वधु पक्ष के माता पिता एक ही पीढ़ी से संबंधित होने के बाद भी विभिन्न मूल्य मनोवृत्तियों से प्रभावित होते हैं जिसके कारण दहेज से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। इस तरह घरेलू हिंसा का संबंध भी आंतरिक पीढ़ी संघर्ष से ही संबंधित है। ओके, यदि समान पीढ़ी के लोग विभिन्न आर्थिक वर्गों भिन्न भिन्न व्यवसायों एक दूसरे के भिन्न संस्कृतियों और भिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं तो उनके बीच भी सामाजिक संबंधों में एक स्पष्ट अंतर और अक्सर संघर्ष देखने को मिलता है। इसी दशा को हम आंतरिक पीढ़ी संघर्ष भी कहते हैं। ओके, अब है अंतः पीढ़ी संघर्ष के कारण। ओके, अच्छा, अंतः पीढ़ी संघर्ष के बारे में एक डेफिनेशन ग्रीन ने भी दी है कि कंफ्लिक्ट इज ए डिलीवरेंस डिलीवरेड टू अटेम्प्ट टू अपोज रिसिस्ट ए रिसिस्ट और कॉलेज द विल ऑफ अनदर और अदर्स। संघर्ष किसी दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्ति की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध करने उन्हें दबाने या उत्पीड़न करने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न है। ओके, अब है अकॉर्डिंग टू मेकाइवर एंड पेज। मेकाइवर एंड पेज के द्वारा सोशल कंफ्लिक्ट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटी इन विच मैन कंटेंड अगेंस्ट वन अनदर फॉर एनी ऑब्जेक्टिव। ओके, मेकाइवर और पेज ने कहा है कि संघर्ष में उन सभी गतिविधियों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं। ओके, अब अंतः पीढ़ी संघर्ष के कारण कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कॉजेज ऑफ इंटरजनरेशन कंफ्लिक्ट। फर्स्ट पॉइंट है आपका परिवर्तन की प्रक्रियाओं का असमान प्रभाव। ओके, भारतीय समाज में आज आंतरिक पीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण परिवर्तन की प्रक्रियाओं का सभी वर्गों और लोगों के जीवन पर समान प्रभाव न होना है। ओके, पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण लोकोकीकरण तथा नगरीकरण आदि इसी तरह की प्रक्रियाएं हैं। ओके, अब सेकंड पॉइंट है लक्ष्य एवं साधनों के बीच असंतुलन। यदि हम मर्टन के विचारों के संदर्भ में आंतरिक पीढ़ी संघर्ष का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि एक ही पीढ़ी के लोगों के लक्ष्यों और साधनों के बीच जब असंतुलन पैदा होता है तो उनके बीच तनाव और संघर्ष बढ़ने लगता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोषपूर्ण समाजीकरण। किसी समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही माता पिता नातेदार पड़ोसी और शिक्षक बच्चे को यह सिखाते हैं कि कौन से व्यवहार उचित हैं और कौन से अनुचित। इसके विपरीत यदि किसी परिवार में माता पिता द्वारा सभी बच्चों के साथ समान प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता है तो समाजीकरण की प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक संरचना में परिवर्तन। जब किसी समाज की संरचना परिवर्तन के दौर से गुजर रही होती है तब अधिकांश लोगों में अपनी परिस्थिति और भूमिका के बारे में भ्रम और असंतोष पैदा होने लगता है।
इससे समान आयु एक ही पीढ़ी के लोगों में संघर्ष पैदा होने लगता है। उदाहरण के लिए परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना जाति के नियमों पर आधारित थी तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति के अनुसार समाज में एक विशेष परिस्थिति प्राप्त होती थी। आज जाति व्यवस्था से संबंधित नियमों का प्रभाव लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाने के बाद भी ब्राह्मण जातियों के अधिकांश लोग अपने आप को दूसरी जातियों के लोगों से ऊंचा समझते हैं, ओके? जबकि निम्न जातियों के लोग किसी भी दशा में अपनी परिस्थिति को निम्न नहीं मानते हैं। सामाजिक संरचना में होने वाले इस परिवर्तन के फलस्वरूप गाँव में एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच अक्सर हिंसक संघर्ष की घटनाएं हो जाती हैं। इस तरह स्त्रियों की परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप लिंग के आधार पर एक ही पीढ़ी को दो श्रेणी में बांटा गया है, ओके? अब नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व संरचना में अंतर, ओके? किसी भी समाज के किन्हीं दो लोगों का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता है। सभी की मनोवृत्तियां, इच्छाएं, व्यवहार के तरीके, बुद्धि के स्तर और समाज में किए जाने वाले अनुकूलन में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। समाज में बहुत से लोग थोड़ी सी इच्छाएं पूरी होने से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छाओं की कोई सीमा ही नहीं होती है। जिन लोगों की मनोवृत्तियां दूषित इस प्रकार होती हैं तथा जिनकी बुद्धि का स्तर सामान्य से कम होता है, उनमें हीनता की भावना पैदा हो जाती है। इसी के फलस्वरूप वे इस तरह के व्यवहार करने लगते हैं जिससे तरह तरह के तनावों और संघर्षों को प्रोत्साहन मिलने लगता है, ओके? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टेंथ पर होगा इंटर जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट मीनिंग एंड फीचर्स, अंतर पीढ़ी संघर्ष अर्थ तथा लक्षण, ओके? इंटर जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट मीनिंग एंड फीचर्स। Thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much, guys. Thank you.